ओम शांति। आज है विश्व के अंदर सर्वप्रथम विश्व रचयिता की रचना पावन पूज्य देवता श्री कृष्ण की जन्माष्टमी अर्थात जन्मोत्सव। आज के शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे। परंतु ये शब्द हम श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वह तो हम सभी को हैप्पी रखने वाले हैं। हम जब जब भी दुखी हो जाएं, उदास हो जाएं, हमारी फरियादें सभी के प्रति हों या स्वयं के प्रति हों, कोई समस्या हो, कोई परीक्षा हो, जो भी तकलीफ मन वचन कर्म से या हमारे मित्र संबंधी या संपर्कीय या पदार्थों से या किसी चीज वस्तुओं से, वातावरण से या कर्म भोग से, जो भी कारण हो, जब दुखी होते हैं तो उसे याद करते हैं। अब हम जिसको याद करते हैं, क्या वो हमें याद करते हैं? हम स्वयं से ये प्रश्न पूछें। अच्छा, हम तो उसको इसलिए याद करते हैं कि वो हमें सर्व दुखों से मुक्त करने वाले हैं। हमारा यह उनके अंदर एक अटूट विश्वास है। हमारा उनके अंदर निश्चित रूप का अटूट निश्चय है कि जब कोई हमारा साथ नहीं देगा, तब मेरे ये आराध्य देव या मेरे ये पूज्य इष्ट देव श्री कृष्ण मुझे जरूर मदद करेंगे। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे पूज्य इष्ट देवता श्री कृष्ण मुझे याद करें? यदि श्री कृष्ण स्वयं मुझे याद करे तो क्या ये मेरे परम अहो धन्य सौभाग्य की घड़ी नहीं होगी? उसी प्रकार हम भगवान को याद करते हैं, प्रभु का ध्यान धरते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। परंतु क्या कभी ये सोचा कि मैं जिसका ध्यान करती हूँ, ध्यान धरती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, क्या वो भी मेरे को ध्यान लगाते हुए मेरा ध्यान रखते हैं? यानी मुझे याद करते हुए मेरे साथ और मेरे पास रहते हैं? या जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी वो मेरी मदद में पहुंचते हैं? पुकारने पर तो पहुंचेंगे, परंतु देखा गया है कि पुकारने के पश्चात भी हमें इन देवी देवताओं से मदद मिलती है ये एहसास नहीं होता। हमें लगता है कि मैंने इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, इतना मैंने उनको याद किया, पुकारा, आंसुओं की माला पहनाई, परंतु प्रभु ने मेरी फरियाद ही नहीं सुनी। तो ये ऐसा क्यों होता है? जबकि मैं प्रभु को इतना याद करती हूँ या करता हूँ, फिर प्रभु मेरी इतनी दर्द भरी आंसुओं के साथ मेरी विनती की पुकार क्यों नहीं सुनी? कारण क्या? कभी एकांत में बैठकर अकेले में ये सोचा? कभी उनसे ये बातचीत की
हाँ ये तो बातचीत करते हैं, जैसे कन्याएं सोचती हैं या बात करती हैं कि हे काना, हे कन्हैया, तू मेरा है मैं तेरी हूँ, तू हम कन्याओं का है और हम कन्याएं तेरी हैं, इसीलिए तो तेरा नाम कन्हैया है। और फिर वो उस कन्हैया से एक प्रेमी की तरह उससे बातें करती है। उसी प्रकार जो माताएं हैं, माताएं भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि उनको जैसे किसी छोटे बच्चे को अपने वो उठाती है, सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, स्नान कराएगी, नए नए वस्त्र पहनाएगी, सब कुछ करेगी, सारा दिन उसका उस बच्चे का ध्यान रखने में ही उसका व्यतीत होता है। बच्चे से ही बातें करेगी, अपने सुख दुख की बातें भी वो उस बच्चे को करेगी। तुझे पता है कि तेरी माँ किन सुखों में पल रही है, तुझे पता है तेरी माँ किन दुखों से गुजर रही है, तुझे पता है तेरे पिता कैसे हैं, क्या हैं। जो भी सुख दुख की बातें हैं वो माँ अपने उस छोटे बच्चे से करती है, चाहे वो बच्चा उस बात को समझे या न समझे, पर वो उसे अपना बच्चा बनाकर, अपना साथी बनाकर उससे वो शेयर करती है, दिल की बात बताकर दिल को जैसे हल्का करती है। और फिर कभी दिल को बहलाती भी है, सुलाती भी है, लोरी भी गाती है, उसके स्वप्न भी देखती है, फिर उसकी पूजा भक्ति आदि भी बहुत दिल से करती रहती है। उसको बहुत दिल होती है कि मैं कृष्ण की माँ बनूं और प्रैक्टिकल में कृष्ण मेरा बच्चा बने। लेकिन कृष्ण की माँ बनने के लिए, कन्याओं का प्रेमी कन्हैया बनने के लिए, या फिर भाइयों के लिए कृष्ण जैसा मित्र पाने के लिए, या कृष्ण को ही मित्र के रूप में पाने के लिए क्या कुछ नहीं करना होगा? कुछ तो करना होगा जिससे वो मित्र बने, वो पति बने, साजन बने, वो प्रेमी बने, वो बच्चा बने, वो भाई बने। जो भी उसके विविध रूप हैं, वो विविध रूप रंग उसके उन व्यक्तियों को देखने को मिले, जो व्यक्ति जिस रूप में उसे याद करते हैं। तो कहते हैं कि जब किसी से प्रीत होती है ना, तो प्रीत का अर्थ है समर्पण भाव। परंतु उस समर्पण भाव में हमें क्या करना होता है? समर्पण भाव में हमें यही करना होता है, वो जो कहे वो करना होता है, वो जो सोचे उसकी उस सोच को, उसकी वो आश को, उसकी उस इच्छा को पूरा करना होता है। या मैं सरल शब्दों में गहरी बात बताऊं तो उसके समान बनना होता है, यानी उसमें ऐसे खो जाएं जो तू ना रहे, मैं ना रहूं, दोनों एक हो जाए। और ये जो श्री कृष्ण के परम भक्त होते हैं, उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जो श्री कृष्णमय होते हैं, उनको तो यह बात इतनी गहराई से धारणा में आती है
कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं ना रहूं और तू ना रहे, हम एक हो जाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़े। कृष्ण उन्हीं गोपियों को दिखता था, वही गोपियां उनको प्राप्त कर पाती थी जो अपने देह के सर्व संबंधों को भुलाकर उनके पीछे भागती थी। उनकी बांसुरी के सुर सुन करके और मस्त होकर और एक दीवानी सी उसके पास दौड़ी चली जाती थी। ये एक बुद्धि की दशा दिखाई है, ये एक दिल की स्थिति बताई है कि जब कृष्ण से कोई प्यार करता है या हम प्यार करें तो ऐसा प्यार करें जैसे गोपियों के प्यार का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों में जिन गोपियों का वर्णन सुनते हैं, हम उन गोपियों की जगह पर स्वयं को यदि देखें समझें, और हमारा ही ये गायन है, ये बात अगर हमारे समझ में आए और यदि मेरा ही वह शास्त्र है बना है, मेरी ही स्थिति का, मेरे ही प्रभु प्रेम का, श्री कृष्ण के प्रेम का, तो ये खुशी की चरम सीमा की बात होगी। ये कितने सौभाग्य की परम श्रेष्ठ स्थिति की बात होगी, होगी ना। तो हमें क्या करना पड़े, यदि मुझे ऐसा प्यार श्री कृष्ण से हो, यानी प्रभु से, श्री कृष्ण को हम ईश्वर, प्रभु, भगवान ये समझकर ही तो उनको पूजते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण ईश्वर है। तो ऐसे प्रभु को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जिनमें सभी को आकर्षित करने की एक परम दिव्य शक्ति है, एक लोचुंबक के तत्व जैसा एक चुंबकीय एक आकर्षण है, और इस आकर्षण में यदि हम आकर्षित होकर के सामने से खींचे हुए उनके पास जाना चाहते हैं या उनके स्नेह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़े, हमें भी श्री कृष्ण मय बनना पड़े, सिर्फ प्रभु को ही प्यार करना पड़े कि मेरा तो एक वो मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, दूसरा न कोई। सोचूं तो उसके विषय में सोचूं, देखूं तो उसको देखूं, सुनूं तो उनकी बातें सुनूं, बोलूं तो उनके विषय में बोलूं, और कर्म करूं तो जो उससे पसंद है वही कर्म मैं करूं, ताकि मैं उनके दिल पर सदा चढ़ी हुई रहूं या उनके दिल पर विराजमान रहूं। वो मुझे याद करे, मैं उसे याद करूं। तो मुझे स्वयं को उसके समर्पित करना पड़े कि तन भी मेरा तेरा, ये जो मेरा तन है वो तेरा, मेरा मन है वो भी तेरा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरा, यहाँ तक कि जो सोचती हूँ मैं वो सोच भी मेरी तेरी, मैं वही सोचूं जो तू मुझे सोचने के लिए कहता है, या मेरे सोचों में जो होना चाहिए, जो तू चाहता है वही मैं सोचूं। तो जब इस प्रकार हम प्रभु की पसंदगी का पात्र बनेंगे, प्रभु प्रेम के पात्र बनेंगे, अर्थात
उसको जो पसंद है वो हम करेंगे तो हम उसकी सच्ची कन्या राधा बनेंगे, हम उसकी सच्ची माँ देवकी या यशोदा बनेंगे, या फिर हम उसके मित्र अर्जुन के रूप में रहेंगे, या फिर जिस भी रूप में हम उसको पाना चाहें हम उसे पा सकेंगे। तो हमें अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़े, और वो परिवर्तन हमें श्री कृष्ण का जीवन चरित्र जो है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उन्होंने हमें इतनी सारी बातें चलते फिरते उठते बैठते हर बात हमें सिखाई है, कैसे जागना, कैसे सोना, कैसे सोचना, कैसे बोलना, कैसे क्या क्या करना, ये सब हमें उनके द्वारा सिखाया गया है। प्रैक्टिकल में उनके कर्मों से भी सीखने को मिला, उनकी उनके जो वचन निकले महावाक्य के रूप में, भगवान वाच के रूप में यदि हम उनको भी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु मेरे लिए क्या चाहते हैं, प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, प्रभु मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, प्रभु मेरे लिए क्या सोचते हैं, प्रभु की मेरे प्रति क्या आशाएं हैं। तो उन बातों को सोचें और वो बातें हम बहुत सरलता से अपने व्यवहार में एक दो को कहते भी हैं, भले हम नाम वहाँ प्रभु का नहीं लेते लेकिन माँ बहन या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते साथ में रहते पास में रहते हमें सिखाते रहते हैं, सोचो तो क्या सोचो, सकारात्मक सोचो, देखो तो क्या देखो, सकारात्मक देखो, सुनो तो क्या सुनो, सकारात्मक सुनो, बोलो तो क्या बोलो, सकारात्मक बोलो, दूसरों को सुनाओ तो भी सकारात्मक सुनाओ, दूसरों को दिखाओ तो भी सकारात्मक दिखाओ, दूसरों के मन के अंदर यदि आप अपने विचार बिठाने चाहते हैं तो आप उनको सकारात्मक विचार सुनाओ और वो बिठाओ, और कर्म यदि करने हैं तो कर्म भी ऐसे करो जो आपसे सर्व खुश हो, सभी व्यक्ति आपसे खुश हो, सर्व संबंधी आपसे खुश हो, कन्या हो तो वो भी खुश हो, माता हो तो वो भी खुश हो, पिता हो तो वो भी खुश हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो या कोई और संबंध हो, सब खुश हो। सब खुश कब होते हैं? जब किसी को दुख नहीं देते, लेकिन हरेक का मन खुश रखते, हरेक को खुशी देते, हरेक को आनंद मिले ऐसा सुख देते, यानी किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देते, और स्वभाव में इतनी सरलता और रमणीकता रखते, इतनी जीवन के अंदर हर कर्म में सत्यता होती, जो उनको स्वतः ही एक ऐसी आकर्षण हो कि उनको बस देखते रहने की दिल हो, सुनते रहने की दिल हो, हमारे साथ की दिल हो, हमारे पास की उनको दिल हो। जो ये बातें श्री कृष्ण में थी, परंतु ये सारी बातें श्री कृष्ण जो विश्व का प्रथम मनुष्य, दैवी मनुष्य, देवता मनुष्य, पर उसको मनुष्य शब्द नहीं देते, है मानवी रूप, परंतु हम कहते हैं पूज्य देवता श्री कृष्ण, क्योंकि वो पूर्ण रूप से दैवी गुणों से
भरे हुए हैं। और ये दैवी गुण क्या हैं जो मैंने आपको कहा, सरलता से हमारे समीप के संबंधी माता पिता मित्र आदि आदि बुजुर्ग हमें सिखलाते रहते हैं। जिस अच्छे कर्मों को, जिस अच्छे गुणों को हम कहते हैं चरित्र, तो हमारा हर कर्म चरित्र हो। हमारे हर कर्म को देखकर जो व्यक्ति हमें देखती है वो प्रसन्न हो और वो उस कर्म को याद करे। एक बार याद न करे, बार बार याद करे, और जब जब याद करे उसको वर्णन करने की दिल हो किसके पास। वर्णन करके भी जब जी न भरे तो वो लिखने की कोशिश करेगा, लिख करके औरों को बताने की कोशिश करे। जब वहाँ भी दिल न भरे तो फिर उसकी छवि के आगे बैठकर अश्रु रूपी मोतियों की माला पहनाकर और उसे याद करके उसमें खो जाए। तो ये जन्माष्टमी हमें कहती है कि हम जिस भी आराध्य देवी या देवता को मानते हैं, हम उनकी पसंदगी के अच्छे कर्म करें, जो अच्छी आदतें हैं वो डालें, बुरी आदतों को मिटाएं जिससे दुख मिलता है। हम वो बोल ना बोले जो किसको दुख हो, हम वो बोल किसको न सुनाएं जो वो सुनना न चाहे, हम वो कर्म न करें जो वो हमारे कर्म को देखकर दुखी हो। तो हम स्वयं पर ये ध्यान रखें, तब कहेंगे हमारा इन देवी देवताओं से प्यार है या कृष्ण से हमारा प्यार है। कृष्ण ने सभी का मन मोह लिया, कृष्ण सभी के लिए एक आकर्षण बन के रहा। श्री कृष्ण ने हरेक मन को आनंदित किया, श्री कृष्ण ने हरेक से रास रचाई, अर्थात अपने स्वभाव संस्कार मिलाए। रास करते समय हमें सामने वाली व्यक्ति के साथ हमें अपनी एक्ट एक्शन या हमारे भाव स्वभाव मिलाने पड़ते हैं। तो रास किया, हम भी अपने घरों में रहते हैं, हम सभी आपस में परिवार के सदस्य एक दो के भावों को समझें तो हमारी टक्कर न हो। हम एक दो के स्वभाव को समझकर और उनके स्वभाव के अनुरूप हम स्वयं को ढालें। अगर ढालना नहीं चाहते तो हम उसके लिए विघ्न भी न बने, हम सहयोग दें। हम सहयोग भी नहीं दे सकते तो हम उसको वह कर्म करने दें, यदि वो कर्म बुरा नहीं है तो हम विघ्न न बने, हम किसी के लिए समस्या न बने। तो इस प्रकार हम यदि ध्यान रखेंगे तो हम कहेंगे हमने सच्चा सच्चा जन्मोत्सव मनाया, अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, हमारे आराध्य को इष्ट को याद करते हैं। तो अब हम ऐसे करें जो वो हमें याद करे और वो स्वतः ही हमारे सामने साक्षात्कार के रूप में या स्वप्न के रूप में या किसी भी रूप में हमारे सामने आए और हम उनको अंदर अंदर ये महसूस कर लें कि ये तो मेरे वही इष्ट पूज्य आराध्य हैं, और उसका वो जो अतींद्रिय सुख है वो मैं अंदर में अनुभव करूं। जिस अतींद्रिय सुख को जब जब मैं स्मृति में लाऊं या सिमरूं, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाए। अभी तो श्री कृष्ण को झुलाने के पीछे लगे रहते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन करने के पीछे कितने तड़पते हैं, कितने धक्के मुक्के खाते हैं, मार भी पड़ती है। परंतु यदि हम ऐसा करें, उसकी पसंदगी की तरह हम अपने गुण धारण कर लें, अच्छाइयों को अपना लें, बुराइयों को भूल जाएं, हटा दें, मिटा दें, तो वो स्वयं हमारे
सदा साथ रहे, वो स्वयं सदा पास रहे, रहे नहीं लेकिन रहेगा, और हम अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलेंगे उसके साथ, उसके पास, और वो खेलेगा भी हमारे साथ। तो बताओ कितना आनंद आएगा। कल्पना करो, मैं सजी सजाई गोपी या गोप या मैं राधा हूँ, और मैं उसके साथ रास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आनंद की कोई सीमा होगी? कोई सीमा नहीं होगी। तो बस मनाइए आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तो आप सर्व को पूज्य श्री कृष्ण देवता की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, और खूब श्री कृष्ण को याद करते हुए उसके साथ रास रचाइए, झूला झुलाइए, उसे गोद में हाथ के झूले में झुलाइए, और फिर उसका मन पसंद क्या पदार्थ खिलाएंगे उसको? माखन। तो माखन खिलाइए उसको, अर्थात ऐसी चीज उसको खिलाइए जो उसके गले के अंदर सीधा उतरे, अर्थात ऐसे गुण धारण करें जो सीधा हम उसके दिल के अंदर घुस जाए, बैठ जाए। तो मनाइए आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव। सभी को फिर से एक बार खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।